हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे चैनल का तीसरा ब्लॉग होने वाला है। सो अब हम जा रहे हैं इधर से यहाँ कोसाइची वाड़ी कर एक छोटा सा गाँव है, बहुत छोटा सा, इतना छोटा है कि देखा जाए तो एक 80 घर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 घर, छोटा सा ही गाँव है। हमारे यहाँ वाड़ी होती है, वाड़ी यानी ऐसा होता है ना, एक फार्मर लोगों की कम्युनिटी होती है ऐसे पहाड़ों के वगैरह पास। वो क्या करते हैं ना, उनके ऐसी छोटी छोटी सी ज़मीनें होती है या बड़ी बड़ी ज़मीनों के पैचेस भी होते हैं, तो वो लोग ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं, उसे हम वाड़ी कहते हैं। हमारे यहाँ वो कम्युनिटी यानी एक जगह आकर रहते हैं लोग। ऐसा नहीं कि वो गरीब होते, बहुत रिच लोग होते हैं। फार्मर से रिच तो कोई है ही नहीं, पूरी इंडिया की इकोनॉमी चलाते हैं हमारे फार्मर्स। सो फार्मर्स के लिए कमेंट कर दो गाइस, कौन कौन, चलो देखते हैं कौन कौन फार्मर्स के बेटे। एक्चुअल मैं भी फार्मर का ही बेटा हूँ। तो यहाँ का रोड अभी फ़िलहाल ही बन चुका है, मेरे ख्याल से 5-7 दिन हो गए होंगे इस रोड को बने हुए। बहुत अच्छा बनाया, ऐसा नहीं कि बम्स आ रहे हैं, अप्स आ रहे, डाउन्स आ रहे, नहीं, ऐसा पूरा एकदम प्लेन बनाया है। बट अभी फ़िलहाल ये ऐसा नहीं कि बाइक भगाने के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रेवल है ऐसी जिसे हम बालू कहते हैं या खड़ी कहते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स है, जिससे क्या करेगा, ऐसा लीन करोगे तो बाइक स्किट हो जाएगी पूरी। इससे अच्छा तो लीन ही ना करो, एक रिदमिक स्पीड में बाइक चलाओ, वो अच्छा रहता है। और ये जो एरिया है ना, ये वो छोटी सी वाड़ी है हमारे यहाँ की, बट वैसे देखा जाए तो बहुत रिच लोग रहते हैं यहाँ भी। यहाँ के फार्मर्स के ही बच्चे होते हैं यहाँ, जो कि कभी कभी फार्मर्स यहाँ रहते हैं, बच्चे पढ़ाई करने के लिए बाहर वगैरह जाते हैं, वहाँ विंड मिल्स है। बहुत अच्छा एरिया है, जो कहते हैं ना गाँव का एरिया, वो यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भी बहुत अच्छे। ऐसा नहीं कि बाइक देख के पीछे लग गए, नहीं, बहुत अच्छे कुत्ते भी है यहाँ के लोग, तो क्या बोल रहे मत। हमारे महाराष्ट्र का कल्चर ही इतना अच्छा है ना, बहुत प्यारे लोग हैं हमारे। ऐसा नहीं कि हमारे महाराष्ट्र के लोग ऐसे कि यार हर बात पर लड़ाई झगड़ा कर दिया, मार दिया, पीट दिया, कूट दिया, चलो ख़त्म हो गया, वैसा नहीं। बहुत अच्छा कल्चर है, अगर आप पास से देखोगे तो प्यार करने लगोगे। बट अगर कोई बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है तो उसे सीधा करना भी आता है हमारे लोगों को। तो हम इधर से अभी सामने जा रहे, एक गाँव है वहाँ, ऐसे ही जस्ट राइड करने के लिए छुट्टियाँ है तो आ गया हूँ मैं इधर। यहाँ आकर सुकून मिलता है, एक अपनापन सा महसूस होता है। कितना भी सिटी में रह लो, कितना भी दूसरे कंट्रीज़ में रह लो, जो सुकून यहाँ है ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अभी फसल तो कट चुकी है, गेहूँ की फसल थी वो कट चुकी है, तो इतना ऐसा ग्रीनरी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी समर का सीज़न चल रहा है, तो पानी की वजह से भी थोड़ा इशू है हमारे इस एरियाज़ में। वो पेड़ वगैरह देखोगे वैसा भी लगेगा डेजर्ट के पेड़ है, बट फार्मिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं हमारे यहाँ किसान, ये गायों को या भैंसों को चराने के लिए वो जो मक्का होती है वो है, उसे उसे कहते हैं हम कॉर्नफ्लावर, जो कॉर्न होता है ना, स्वीट कॉर्न, उसके ही वो खेती। यहाँ ओनियन लगाया हुआ है, फूलों के पेड़, गाय, बहुत अच्छा। ये जो सिटी नहीं कह सकते यार, क्या कह इसे, ऐसा इतना दिल खुश हो रहा है कि क्या बोलूँ, वो पता नहीं चल रहा है। ऐसा पूरी शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, ताज़ी हवा, ना पोल्यूशन है ना कुछ है। ऐसे छोटे छोटे पहाड़ नहीं कह, हाँ छोटे छोटे पहाड़ तो कह सकते हैं, उनके बीच में राइडिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग है। ऐसा थोड़ा सा कच्चा रोड, आम के पेड़, ऐसा दिल खुश हो जाता है, सुकून मिल जाता है। ऐसे लगता है कि यार किसी रेस से हम बाहर आ गए और जस्ट क्रूज कर रहे हैं बाइक पे, लाइफ की रेस से बाहर आकर ज़िंदगी जीने लगे। जब आप अपने गांव आते हो ना, तो वो फीलिंग वो होती है। बट यहाँ भी तो रोड तो फिलहाल बन चुका है, बट कॉर्नरिंग वगैरह तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे वगैरह होते वैसा सामने आ जाते, या गाय वैसे होती है। तो गांव के जगह तो ऐसा है कि एकदम स्लो चलाओ, ऐसा कि यार एक टाइप पर ऐसे बाइक कंट्रोल में आनी चाहिए, वैसा चलाओगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि 100-150 पर चला रहे हो, कोई आगे आएगा तो वैसे भी कोलिजन होगा या ठुक जाओगे उससे, फिर क्या, वही इशूज़, वही बाइक तो डैमेज हो जाएगी। बाइक का खैर छोड़ो, वो ठीक हो जाएगा, बट आपको भी बहुत लगेगी, वो जो सामने वाला है, कोई भी हो, बच्चा हो, जानवर हो, उसकी लाइफ खतरे में आ जाती है आपके वजह से। तो एक ऐसे जगह पर मैच्योर बनना बहुत ज़रूरी है। मैच्योरिटी ज़िंदगी में कहीं मत दिखाओ, बट ऐसे राइडिंग के वक्त यहाँ दिखा दो, क्योंकि यहाँ मैच्योरिटी दिखाओगे ना, जान बच जाएगी। अगर यहाँ भगाने लग जाओगे ना, तो जान भी आपकी भी जाएगी, तो जाएगी, बट सामने वाले की भी चली जाएगी।
यहाँ देखा जाए ना, ऐसे छोटे छोटे से गांव है, एक 5-10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, फिर एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं। बट किसान, अरे किसान इतने यहाँ के अमीर हैं, क्या बताए। ये देखिए घर, घर तो देखिए अभी डेवलप होने लगा है हमारा कंट्री धीरे धीरे। हमारा कंट्री नहीं बट हमारा ये जो तहसील है ना मानकटा, वहाँ बहुत अच्छे से डेवलपमेंट चल रही है अभी फ़िलहाल। रोड्स बन रहे हैं, सब लोगों को भी जॉब्स वगैरह मिल रही है। ऐसे देखा जाए तो ये लोकल्स है यहाँ के, यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, रोड का काम चल रहा है, तो मजदूर वगैरह देखने को मिलेंगे यहाँ। स्पीड ब्रेकर, घरों के भी काम चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यार डेवलप होने वाला है, यानी डेवलप हो ही रहा है। बहुत ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा सुकून मिल जाता है ना यहाँ का। सुकून है ना आपके मानने ना मानने पे। ऐसा नहीं कि सुकून पहाड़ों में है, सुकून समुद्रों में, सुकून है ना यार वो आपके दिल में। घर बैठे भी अगर आप खुश हो ना तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर आपके दिल में ही खुशी नहीं है तो क्या पहाड़ों पर जाओ, समंदर में जाओ या समंदर के अंदर जाकर छुप जाओ, खुशी मिलनी ही नहीं है। खुशी तो दिल में है, वो वाली खुशी नहीं, जिस खुशी फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ वो खुशी हमारे दिल में ही होती है। सुकून मानने ना मानने पर है। कई लोग ऐसे देखोगे बहुत अमीर है यार, बट लाइफ पे ना कभी कंप्लीट नहीं होती, कोई ना कोई एक छोटी सी कमी तो रह जाती है। आदमी कितना भी अमीर हो बट उसे अगर फिजिकल कोई इशू है तो इशू है ही, उससे जूझना ही पड़ेगा। या कोई भी आदमी कितना भी हेल्दी वेल्दी हो बट उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करे ना। ये देखो, ओके, ऐसे सड़क के बीच में खड़े हैं इंडियन लोग। वैसे भी कोई इशू नहीं है, जगह तो थी साइड में जाने के लिए, फिर भी मैं बेवजह हॉर्न बजा रहा था। हमारे यहाँ ऐसे ट्रैक्स वगैरह होती है या ऐसे गाड़ियाँ, वो क्या होता है नाम, कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस वगैरह है वो बंद होती है तो लोग इनसे जाना प्रेफर करते हैं। वो जो ट्रैक्स कहते हैं ना एक टाइप की, सो यहाँ वहाँ कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी रहती है। 10-20 रुपये में इस गाँव से उस गाँव तक छोड़ देते हैं लोग। दिखाने की खूबसूरती तो यहाँ बारिश में आती है, बारिश के मौसम में ऐसा सब हरा भरा हो जाता है ना। अभी तो गर्मियाँ चल रही है तो पूरा ऐसा ड्राई एरिया है, फिर भी पानी है। वो देखो पानी तो बह रहा है, वहाँ किसान खेतों में काम कर रहे हैं वगैरह। हमारे यहाँ है ना ये जो ड्रिपिंग सिस्टम होती है ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हो ऐसे पाइप्स वगैरह जो गिरे हुए हैं ना, तो उससे क्या होता है ना बूंद बूंद पानी उस क्रॉप को, या जो खेती बाड़ी कर रहे हैं ना लोग, तो उससे वो ऐसे बूंद बूंद पानी उस छोटे छोटे पौधों को जाता है, जिससे कि ग्रीनरी बढ़ती है। देखो यहाँ भी वही से अभी यहाँ किसान क्या कर रहे हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स वगैरह मार्केट काम तो चालू है, हर किसी का काम चालू है। अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं फिर भी हर कोई काम कर रहा है। ट्रैक्टर्स की तो कमी नहीं है, हमारे हर घर एक ट्रैक्टर होता है। रोड भी अच्छा हो रहे हैं ऐसे देखा जाए तो। अभी यहाँ से सामने, यहाँ से ऐसे आप सीधे जाओगे तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं कि गन्ने की तो गन्ने की खेती है या गेहूँ की तो गेहूँ की, नहीं मल्टी क्रॉप्स है हमारे यहाँ। बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेगी। सीजनल हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं ना, जो हमारे इस एरिया के फार्मर्स हैं वो स्मार्ट वर्क करना प्रेफर करते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत ज़रूरी है वो। उससे क्या होता है ना मोटिवेशन मिलता है मेरे को, यार लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, और किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट और लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं उससे क्या पैसे मिलने वाले तो है नहीं अभी फिलहाल, बट अगर आप लाइक करोगे कमेंट करोगे तो वो पता चलता है कि यार लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा दिल करता है और एक वीडियो बनाओ, और बाइक पर वीडियो बनाओ, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ। आज का वीडियो ऐसा ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं था, जस्ट फॉर फन पर्पस। आपने एंजॉय किया या नहीं इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हमें ब्लॉगिंग का, ये सेकेंड वीडियो है, तो आप बताइए क्या लूप्स रह गए, हम उसे अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।